अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नेम? रिफत। जी रिफत, क्या कर रही हैं? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है, यहाँ पे क्या कर रही हैं? यहाँ पे हम शॉपिंग करने आए हैं। शॉपिंग करने? एक मैं आपके मियाँ जी से भी पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नेम? मेरा नाम फयाज। जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये बच्चों को लेके आए हैं शॉपिंग वगैरह घुमाने फिराने के लिए। हाँ जी, करवाई शॉपिंग? जी करवाई शॉपिंग। ज्यादा खर्चा तो नहीं करवाया? नहीं नहीं, खर्चा तो नहीं ज्यादा करवाया, बस जो बच्चों को पसंद आया वो चीजें ले दी हैं। थोड़ी सी करवाई? थोड़ी सी, जितनी मर्जी कर लें, वो उनकी अपनी चॉइस है। ये आपकी वाइफ बैठी हुई है, कैसी है? बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। नहीं कैमरे के सामने ना बोले, वैसे बताएं। नहीं वैसे भी ठीक है माशाल्लाह, गुजारा हो रहा है। ठीक है बस। हाँ नहीं बस गुजारा हो रहा है, गुजारा हो रहा है। लव मैरिज की है? लव मैरिज की है। लव मैरिज? लव मैरिज। सीरियसली? हाँ सीरियसली। फिर भी गुजारा हो रहा है? नहीं नहीं, मतलब ठीक है माशाल्लाह, 20 साल हो गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी आपके सामने खड़ी है तो। अगर आपको दूसरी शादी करने का मौका मिले तो करोगे? नहीं मौके मिले मिलेगी तो नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। करना होता तो 20 साल गुजर गए इनके साथ। नहीं, क्या पता आपको है? पता है लव मैरिज साल, 2 साल 6 माह 8 माह, बस उसके बाद ख़त्म हो जाती है। नहीं, तो क्या पता कोई ऐसी लड़की है जो जिस पे आपका दिल आ जाए तो। नहीं वो दिल वाला मामला अब ख़त्म ही कर दिया है ना, कि वो बस जिस पे आया ख़त्म कर दिया। आप बताएं कैसे हैं आप? किस पे? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे? बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरफुल हैं। आप कैमरे के सामने कह रहे हैं वैसे? नहीं नहीं वैसे बहुत अच्छे हैं। इन्होंने अभी कहा था कि बस हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं और फादर भी बहुत अच्छे हैं। नहीं इन्होंने अभी कहा था कि गुजारा चल रहा है, बस वो एम ही कह रहे हैं। तो आप भी एम ही कुछ कहते? नहीं अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। कोई इनकी तारीफ? माशाल्लाह ये बहुत अच्छे हैं और दिल के बहुत अच्छे हैं और क्या बोलूं मैं, और बस अच्छे अच्छे हैं, बस अच्छे हैं। कॉमन सेंस आप में है? जी इंशाल्लाह ताला है। इन कितने परसेंट है? सब में लेके 100% है। और आप में कितने परसेंट है कॉमन सेंस? ज्यादा नहीं है, थोड़ी है। चलो को आपके स्पेंड पास ही है। आज का हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसके ना तो टांग, जिसके कोई टांगे नहीं होती, ठीक है? वो टांगों के बगैर कोई ऐसा कौन सा टेबल है जिसकी टांगे नहीं होती? कोई टेबल ही नहीं है। है ना टेबल, दो टेबल है टांगों के बगैर वाला टेबल तो। चलो हमारे आपने कहा था 100% कॉमन सेंस है, कहाँ है आपकी? नहीं वो कॉमन सेंस आप पूछे भी उस तरह सा ना, तो ये उसी तरह के थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर आंसर आ जाएगा। टांगों के बगैर वाला आपको पता है? नहीं मुझे भी नहीं पता। चलो आप बताएं। नहीं टांगों के बगैर वाला टेबल कोई होता ही नहीं है ना, मुझे पता है हम टांगों वाले टेबल पे बैठे हुए हैं। मुझे पता है ना, है ना टेबल है टांगों के बगैर, दो हैं, थोड़ा सा तुक्का लगाएं, बहुत आसान है। क्या कह रही है? चीटिंग ना करवा। आप बताएं। वो बेटी तो मैथ वाला टेबल। नहीं आप बताएं। नहीं मेरे ज़हन में नहीं। चलो मैथ वाला टेबल हो गया, चलो एक ही बात से ये चीटिंग करके। और दूसरा? दूसरा भी टेबल ही आपने पूछा है। हाँ ना दो टेबल है आप? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं। आपने ना अपना कॉमन सेंस रख दिया कि यही यूज करेंगे ना। हाँ यही यूज करेंगे। हाँ उन्होंने तो सारा मेरे ऊपर बटन डाल दिया है ना। हाँ, ठीक है अब मैथ वाला टेबल, अब टेबल आते हैं आपको? नहीं मैथ वाले टेबल अभी कहाँ आते हैं, अब तो इतना टाइम हो गया बस भूल गया ना, भूल गए अब अपने टेबल बने पे। चलो आप अपनी वाइफ के लिए गाना सुना दें। वाइफ के लिए कौन सा गाना सुनाएं? वाइफ जी बताएं कौन सा गाना सुनेंगे? उन्हें पता होगा कौन सा करना है। नहीं आप बता दें कोई आपकी फरमाइश पे। नहीं नहीं वो कभी उन्होंने गाया ही नहीं है। कोई कभी गाया ही नहीं? आज तो गा दे ना। नहीं कोई सॉन्ग कभी गाया ही नहीं है तो कुछ फिर भी आज गा दे। क्या गा दे मतलब? कोई भी गाना सुना दे ना। मतलब किस तरह से गाना सुना दे? कोई अभी गाना वाइफ के लिए जो देख के याद आता है? याद अब इन्हें देख के कुछ भी नहीं आता, घर ही याद आता है इनको देख। घर याद, गाना कुछ नहीं आता। अच्छा आपने कल लव मैरिज किया तो कैसे निपटाया था स्टार्टिंग में? ये मेरी खालाजाद बेटी है ना, खाला इसीलिए। हाँ बस हमारे। अपनी वाइफ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? वाइफ मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक इनको जिंदगी दे। आमीन। और आप अपने हस्बैंड के लिए? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक इनको सदा सलामत रखे मेरे सर पे। आमीन।